द्रौपदी को भी हो गया था कि हमारी भगवान के प्रति खूब प्रीति है। भगवान ने कहा चलो जरा घूम के आए, यमुना किनारे स्नान आदि करने गए। स्नान करके अर्जुन द्रौपदी लौटे, श्री कृष्ण तो यमुना किनारे ठहरे थे, थोड़ा देखा कि एक बुढ़िया है, उसकी झोपड़ी पर तलवार लटक रही, चमकती हुई तलवार। बुढ़िया है तपस्विनी, जब तब सेवा पूजा करने वाली, और इस तपस्विनी ने तलवार क्यों टिंगा दी है अपने झोपड़े। अर्जुन को कौतूहलवश पूछने की इच्छा हुई कि माताजी तुम तो भक्ति करने को आई ना, यमुना किनारे झोपड़ी बांधकर इतनी कातिल तलवार चमक रही है किसके लिए। अर्जुन सादे वेश में था, वो महिला ने कहा कि ये तलवार उस कमबख्त के लिए मैंने लगाई है कि कभी आ जाए मेरे सामने तो उसको मैं ठीक कर दूं। कौन कमबख्त है माताजी? कि वो अर्जुनिया, अर्जुनिया और द्रौपदी, वो समझते हैं कि भगवान में मेरी प्रीति है, लेकिन मेरे प्रभु को जरा से चीर हरण हो रहे थे तो थोड़े से वस्त्रों के लिए कहां तो वो मेरे परमात्मा कोठाधिपति उनको दौड़ाया भगाया, और अर्जुन को युद्ध करना न करने के सवाल में भगवान को रथ चलवाना, घोड़ों से माल, घोड़ों की सेवा करवाई। अब वो अर्जुन और द्रौपदी ये दोनों चंडाल और चंडे मिल जाएं तो मैं उनको ठीक करूंगी कि प्रभु को कष्ट क्यों दिया इन नश्वर चीजों के लिए। जो मिटने वाले वस्त्र थे और जो छूटने वाला राज्य था, उस दोनों चीजों के लिए मेरे अछूट परमात्मा को तुमने तकलीफ दी, तो कहीं मेरे को अर्जुन और द्रौपदी मिल जाए ना तो उनकी मैं खबर लूं, उसलिए मैंने ये तलवार संभाल के रखी। अर्जुन अब क्या बोले, मैं हूं? अर्जुन तो दबे दबे पैर गया द्रौपदी को, कहा यहां जवा जेव नहीं पाछा। मया सक्त मना पार्थ, ईश्वर में यदि प्रीति हो जाती तो ईश्वर से हम नश्वर चीजों की डिमांड नहीं करते। भगवान में, ईश्वर में, संत में यदि स्नेह हो जाए तो भगवान का अथवा संत का जो संतत्व है, भगवान का जो भगवत्व है, वो हमारे दिल में उतरने लगता है। हमारे चित्त में होता है संसार का राग और करते हैं भगवान का भजन, उसी लिए लंबा समय लग जाता है। श्री राम। चाहते हैं संसार को, जो किसी का रहा नहीं, जो किसी के साथ चला नहीं, जो किसी का तारणहार बना नहीं, मानते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वही चाहते हैं कि जो कुछ नहीं उसी को चाहते हैं। तो कुछ नहीं है उसको चाहने वाले व्यक्तियों को श्री कृष्ण उत्साहित करके अर्जुन को भी कहते हैं, मेरे में आसक्त, मेरे में प्रीति हो जाए तो मैं तुझे रहस्य सुना देता हूं। जब तक ईश्वर में प्रीति नहीं हुई तब तक रहस्य समझ में नहीं आता। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी, तृष्णावान के हृदय में संत के वचन नहीं लगते। इच्छा और तृष्णावान हृदय में संत के वचन नहीं ठहरते। तृष्णावान से तो वृक्ष भी भय पाते, पेड़ भी डरते कहीं देखे आम और पत्थर न उठाए। पेड़ को पत्थर का भय लगता है, ऐसे ही संत ध्यान भजन समाधि में ईश्वर की मस्ती में झूमते झूमते लोगों को आकर सुनाएंगे, और रस्ते थे साईं मुख के फलाण करे, अरे श्री राम। तृष्णावान की अकल का दिवाला हो जाता है, कब क्या चीज मांगे, कब क्या कहें, वो पता ही नहीं चलता। इच्छा वासना तृष्णा आदमी की बुद्धि को दबा देती। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वे होते हैं जो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा पालें कि फिर कुछ पाना न पड़े, और दूसरे वे लोग होते हैं कि हमको हम जो चाहें वो मिला करें, हम जो चाहें वो मिला करें। ऐसी जिनकी इच्छा है उनकी इच्छा कभी पूरी होती नहीं। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी आएगी, दूसरी पूरी तो दस और आएगी, ऐसे करते करते जीवन पूरा हो जाएगा
और मनुष्य जन्म की दुर्लभता ऐसे ही खो देंगे। सरद धुनि धुनि पछता वही काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावे। फिर सिर धुनते धुनते संसार से निराश होकर मर जाते। दूसरे कोई ऐसे विरले होते जिज्ञासु कि जो ऐसी चीज पालूं कि फिर कुछ पाना न पड़े, ऐसा कुछ जान लूं कि कुछ जानना न पड़े। न जाने कितने जन्मों में राज्य पाया था, पत्नी पाई थी, पति पाए थे, मित्र पाए थे, न जाने क्या क्या पाया था। जो कुछ पाया था उस एक के सिवाय सब कुछ पाया, सब कुछ रहा नहीं। क्यों? कि जो सबका आत्मा है उसका अनादर करके सब रहा तो उसका क्या रहा। कबीर ने कहा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को जिसने साध लिया उसने सब साध लिया, और जिसने एक को छोड़ के सब साधा उसने कुछ नहीं साधा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुणी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। ये जो इच्छाओं का घर है, वासनाओं का घर है, कल्पनाओं का घर है, इसको जो फूके वो हमारे साथ चले। मजे की बात है कि हम ये रेती का घरुंदे को बचाने के लिए असली जो अकाट्य महल है उसकी लापरवाही कर देते हैं। ईश्वर के सिवाय अथवा उस आत्मदेव को जानने के सिवाय और जो कुछ हमने जाना उसकी कीमत दो कौड़ी की भी नहीं। मृत्यु का एक झटके में सब पर आया। उस रहस्य को समझे बिना और दुनिया के हजार हजार रहस्य समझ लिए, बोझा बढ़ जाएगा, शांति नहीं, सार नहीं मिलेगा। पाश्चात्य जगत बाहर के रहस्यों को खोजता है, एक एक विषय की एक एक कुंजी खोजता है, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक जगत सब विषयों की एक ही कुंजी, मास्टर की, सब दुखों की एक ही दवाई,